हाँ चलिए, कौन सा पेपर था आपका? एडवांस कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंट था। क्वेश्चन पेपर देख के बता रहे हैं तो पास आउट हो गए आप, तो पॉलिटेक्निक कर लिए बिहार से डिप्लोमा, किस प्रकार थोड़ा सा बता दीजिए उसको, थोड़ा भी कैसे तैयारी था, गया एग्जाम ठीक ठाक गया? ठीक ठाक गया। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर वन क्लासेस में। मैं हूँ सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम पहुँच गए हैं राजकीय पॉलिटेक्निक धनारी औरंगाबाद, अर्थात जीपी औरंगाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद। इसका लोकेशन के बारे में बता दें तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक ना, तो आपको अनुग्रह नारायण स्टेशन उतरना पड़ेगा। वहां से उतरकर आपको जसोईया मोड़ औरंगाबाद आना पड़ेगा। औरंगाबाद वहां आने के बाद आप जान सकते हैं, वहाँ से आपको 9 किलोमीटर पड़ेगा धनारी करके, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसका जो लोकेशन है, गांव का नाम है धनारी, वहीं ये स्थित है। मेरा आने का मेन पर्पस है कि SBT बिहार पॉलिटेक्निक का लास्ट सेमेस्टर का यहाँ जो एग्ज़ाम हो रहा है, यहीं सेंटर दिया है। तो आज हम जांच पड़ताल करेंगे कि क्या किस प्रकार पेपर पूछ के पेपर आ रहा है, किस प्रकार है, ताकि जो बिहार से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए, और ख़ास करके जूनियर लोग, जूनियर स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही उससे कुछ आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन आता है, किस प्रकार स्टूडेंट लिखते हैं, किस स्टूडेंट से पूछेंगे। उसके बाद आपको अभी अनुभव हो जाएगा किस प्रकार हमको पढ़ाई करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए। हटिया हाँ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ सेंटर पर हम आ चुके हैं और कुछ हम लोग पूछते हैं। चलिए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सफ़ी अहमद है। सफ़ी अहमद, आपको हम धन्यवाद देते हैं, नंबर वन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। तो आज कौन सा पेपर का एग्जाम? रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है। तो जो रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशन है, तो किस प्रकार का तैयारी किए हैं आप? तैयारी तो अच्छा हुआ, अब अंदर जाके मालूम चलता है कि क्वेश्चन कैसा है, कैसा लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, इसी आधार पे। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, आप अपना 100% एफर्ट लगाए हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार आता है उसके अनुसार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कुछ स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। आप कौन सा पेपर है? आज मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया ब्रांच को क्या है? मेरा ब्रांच CSE है। CSE है, तो मल्टीमीडिया में क्या तैयारी किए हैं आप? सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जितने भी सिलेबस में है सब तैयारी हो गया है। बस ये देखना है कि कैसा क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से आंसर लिखना है। तो मल्टीमीडिया में कौन सा आपका फेवरेट टॉपिक है या फेवरेट टॉपिक है, कुछ बता सकते हैं? मल्टीमीडिया में एनिमेशन है और साउंड है और बहुत सारे टॉपिक है जो मतलब पढ़ चुके हैं। जी, इसमें मल्टीमीडिया में कुछ प्रैक्टिकल भी होता है जो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसके बाद मतलब उस पर काम किया जाता है, उसकी ही इसके बारे में कुछ लिखना पड़ता है, कुछ इस प्रकार भी होता है इसमें? जी हाँ, वो फोटोशॉप में होता है, उसमें हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं लैपटॉप में और चाहे PC में, उसके हिसाब से अपना फोटो एडिट करते हैं, चाहे वीडियो एडिट करते हैं इसमें। चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। तो आपका कॉलेज का नाम क्या है? जीपी डेहरी। आप अपना नाम बता सकते हैं? अजीत कुमार। तो मैं नंबर वन क्लासेस से हूँ, हम पॉलिटेक्निक का हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक ना। तो आज कौन सा सब्जेक्ट था आपका? एडवांस कंस्ट्रक्शन था, STT। मतलब सिविल से हैं आप? सिविल से हैं। तो कैसा पेपर रहा आज का? बहुत अच्छा रहा। आपका जी? बढ़िया रहा सर। आप भी सिविल से हैं? यस सर। कैसा तैयारी था? अच्छा था सर। और क्वेश्चन मतलब किस प्रकार पूछा गया? सारा क्वेश्चन आया कि मतलब कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आया? सिलेबस से आया। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको इस वीडियो को, हो सकता है पॉलिटेक्निक पढ़ने वाला स्टूडेंट देखेंगे, तो जूनियर को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार वो तैयारी करें? वो इस तरह से तैयारी करें कि जो सिलेबस के रिलेटेड जो पढ़ना चाहिए और गाइडलाइंस उसका, जो क्वेश्चन बैंक अकॉर्डिंग से उसको रिलेटेड और उसका ध्यान प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, उसको 60% क्वेश्चन बैंक से टकरता है क्वेश्चन। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आपका कहना यह है कि शुरू में सिलेबस से पढ़े, पूरा कवर करें, लेकिन एग्जाम समय आने से पहले क्वेश्चन बैंक से पढ़े। ऑल द बेस्ट, थैंक यू भाई, आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। सर आप कहाँ से हैं? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी अनसोन से। कैसा है पेपर? कौन सा पेपर था? RSC। RSC मैकेनिकल से हैं। कैसा गया? ठीक गया। चल पास हो जाइएगा। हाँ। चलिए ठीक है, आपका चेहरा बताते हैं, आप कहाँ से? डेहरी से ही हैं। चलिए, कौन सा पेपर था आपका? एडवांस कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंट था। क्वेश्चन पेपर देख के बता रहे हैं, थोड़ा सा सिविल ब्रांच से है। कैसा गया क्वेश्चन? बहुत अच्छा गया। दो तीन गो ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के तो तीन को कन्फ्यूजन है, मतलब वो आप पढ़ के नहीं आए थे? नहीं, पढ़ के आए थे लेकिन कन्फ्यूजन हुआ देने वाले में, आप पता नहीं, दो डाउट लग रहा था बस। दो को केवल डाउट रहेगा, बाकी और ऑब्जेक्टिव ठीक था, MCQ ठीक था। चलिए बहुत धन्यवाद है, और लोगों से कुछ पूछते हैं इधर आके।
चलिए जी आप बताइए कैसा गया एग्जाम? ठीक ठाक गया। ठीक ठाक गया, पूछते हैं इधर से। बोलिए शुभम कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया गया। कौन सा पेपर था? माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर था। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर। चलिए आपका फेस से ही पता चल रहा है कि खुश हैं यानी एग्जाम अच्छा गया। बड़ी हार्ड है, बड़ी हार्ड ले दी, मतलब यहाँ चीटिंग नहीं करने दे रहा है। देखिए और लोगों से पूछते हैं, भाई साहब आपको कौन सा पेपर था आपका? माइक्रो कैसा गया? अच्छा गया। ऑब्जेक्टिव कैसा है? अच्छा है। लेकिन यहाँ लोग चीटिंग नहीं करने दे रहे हैं नहीं फिर अच्छा ऑब्जेक्टिव में शिकायत है, प्रीवियस ईयर नहीं है। चलिए धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जब स्टूडेंट निकल रहे हैं तो उनका फेस से खुशी नज़र आ रहा है, तो पता चलता है कि वो एग्ज़ाम अच्छा गया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। चलिए और देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस से ही है लेकिन पढ़ा नहीं है तो उसको दिक्कत होगा। जो पढ़ा नहीं है उसको दिक्कत होगा। आप थोड़ा बता सकते हैं कि जूनियर लोग किस प्रकार तैयार करें? आप तो पास आउट हो गए, आप तो पॉलिटेक्निक कर लिए बिहार से डिप्लोमा, किस प्रकार थोड़ा सा बता दीजिए उसको, थोड़ा भी कैसे तैयारी करें? जूनियर लोग यही कहेंगे कि वो अच्छा से मतलब जो भी हो सिलेबस पूरा कम्प्लीट करके आए एग्जाम दें और बुक प्रिपरेशन हर सेमेस्टर में करें। नोट बुक पढ़ेगा तो ज़्यादा फायदा बेनिफिट होगा और एग्ज़ाम यहाँ ये सेमेस्टर लेवल पे और अदर एग्ज़ाम लेवल पे भी वो क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सजेशन बिल्कुल 100% सही है कि नोट्स के क्या होता है कि लिमिटेड रहता है कुछ टॉपिक उसमें, मतलब लिमिटेड रहता है। कई बार क्या होता है टीचर लोग का जो फेवरेट रहता है वो पढ़ाता है, जो उसको नहीं समझ में आता वो स्टूडेंट को भी नहीं पढ़ाता है, ठीक ना? आप बुक से पढ़िए जो आपको अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट के यहाँ खुशी का माहौल देख रहे हैं, अच्छा एग्ज़ाम गया है। सब कर रहा है ट्रेन वाला।